सुनिलिंगले मेरा चैनल का नाम है सुनिलिंगले। आपको जब भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वगैरह देखना हो तो उस पर क्लिक करें। आज हम आपको सिखाते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या है, एसी सप्लाई को डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक ट्रांसफार्मर लिया हमने। ट्रांसफार्मर ये है एक कंपनी का, इसमें तीन वायर्स है। एक तो वायर है तीन वायर, तो एक इसमें 18, इसमें 0 और इसमें 18। ये एसी और ये स्टेप डाउन है ना। तो इसको कैसे चेक करेंगे स्टेप डाउन, देखो सबसे पहले दो वायर जो थे उधर केबल से लगा दिए मैंने, ये पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिए, इतना आप भी कर लेना। इसके बाद देखो इसको चेक कैसे करेंगे, अभी देखो इसमें सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। तो इसको एसी में कन्वर्ट, देखो एसी सप्लाई चेक करेंगे तो एसी 200 पे रखा मल्टीमीटर, देखो 200 पे किया। इसके बाद देखो एक ये ब्लैक वाला था जो ब्लैक वाले में लगाएंगे और एसी वाला एसी में लगाएंगे। तो इसको ऑन करने के बाद दिया रहा है 18-19 बता रहा है और सेम ये भी बताएगा, देखो ये आपकी एसी सप्लाई हो गई। ठीक, ये यानी कि इसका मतलब ये वर्किंग है ट्रांसफार्मर, मैंने चेक कर लिया, अब आपने भी चेक कर लिया। ठीक, इसके बाद आज हम क्या देखते हैं, आज हम देखेंगे कि 18018 ट्रांसफार्मर 500 मिली एम्पियर का है। ये पावर सप्लाई बनाएंगे 5 वोल्ट 9 वोल्ट और 12 वोल्ट डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना आज हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हमने क्या ब्रेड बोर्ड लिया। ब्रेड बोर्ड के बारे में आप जानते ही होंगे, जिसमें ना कि ये वाली लाइन में हॉरिजॉन्टल में लाइन कन्वर्ट और ये वर्टिकल लाइन में करंट फ्लो होता है। ठीक, आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी और कैसे बनेगा मैं आपको, सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर होता है आपके पास, ये मान लो ट्रांसफार्मर के दो केबल से, जिसमें 230 वोल्ट एसी क्या करेंगे अपन इनपुट में देंगे। ठीक, इसके दो वायर, तो ट्रांसफार्मर क्या आपका स्टेप डाउन है, तो उसने क्या किया आपका ये आप क्या करेंगे उसका कम कर दिया उसने, तो ये क्या 18018 का है ना। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, डायोड्स लगाएंगे, देखो इस तरीके से, सबसे पहले ये यूं आ जाएगा। देख रहे हो आप लोग, यस ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा यहाँ पे, देखो। इसके बाद ये वाला कि यहाँ से ऐसा होके ये वाला जो होगा यहाँ आएगा और एक ये वाला यहाँ आएगा। यहाँ क्या करेंगे अपन, एक 100 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर लगा देंगे, है ना। तो ये इसका ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इसका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 7805 आईसी लगाएंगे अपन, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी बोलते हैं जिसको, जिसके तीन लेग होते हैं। फर्स्ट वाले में क्या होगा, इंक जिस तरह से नाम लिखा होगा ना उस तरफ से पहले इनपुट आएगा, इनपुट यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा ये वाला और ये आउटपुट आ जाएगा आपका, और यहाँ जितना लिखा रहेगा उतना उसका आउटपुट आएगा, ये ग्राउंड हो गया आपका। इसके बाद यहाँ से इसका आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट चेक करने के लिए अपन जैसे रिचार्जर वगैरह बनाते थे रेजिस्टेंस लगा देंगे कितने 1 किलो ओम का, और यहाँ पे क्या करेंगे अपन एक एलईडी लगा देंगे, एलईडी लगाने के बाद इसको ग्राउंड कर देंगे। इसके बाद इसका आउटपुट चेक करने के लिए एक होल्डर, तो यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट आपका वोल्टेज आऊंगा, ये जैसे इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये इसका निगेटिव टर्मिनल। तो मल्टीमीटर को अपन क्या करेंगे, नीचे वाले पे जो ग्राउंड होगा उसको ब्लैक वाला लगाएंगे और ये रेड जो है आपका केबल इस पे पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, अब आगे हम कैसे ब्रेडबोर्ड पे करते हैं इसको देखते हैं। दोस्तों मैंने इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिया, देखो सबसे पहले तो देखो D1 D2 D का पॉजिटिव, देखो ये इस तरीके से कनेक्शन है, देखो ये आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि कुछ इस तरीके से कनेक्शन है। देखो इसका पास में लेके आ रहा हूं मैं, तो आप ध्यान से देखिए कि और कनेक्शन में कोई भी गड़बड़ मत करना और जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। देखो ये वाला पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से कनेक्शन हो गया। तो D1 D2 को साथ में 18 वोल्ट दिया हुआ है देखो, और 0 वाला केबल दिया है D3 और D4 पे, तो D3 और D1 एक साथ कनेक्शन है आगे चल के, और D2 और D4 एक साथ कनेक्शन है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैंने इसके बाद क्या किया, एक कैपेसिटर लगा के रखा हुआ है 470 माइक्रो फैराड का, देखो तो इसका ये निगेटिव वाला इधर है पॉजिटिव इधर है, कनेक्शन करके रखा हुआ मैंने। और ये देखो ये आईसी कौन सी है आपकी,
ध्यान से देखेंगे तो 7805 आपको दिखाई देगी, ये दिखाई दे रहा है 7805। इस आईसी को मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये देखो यहाँ पे लगाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस दिया और ये एक एलईडी लगा दी, और यहाँ पे अपने ग्राउंड कनेक्शन है, और इस वाले पे अगले वाले लाइन पे पॉजिटिव दे, तो यहाँ पे अपन चेक कर लें कितना वोल्टेज अपने को मिल रहा है। सेम अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अपने कनेक्शन कर दिया, इसके बाद देखो ये वाला नीचे वाला ग्राउंड होगा तो मैंने इसको यहाँ ग्राउंड कर दिया। सबसे पहले ग्राउंड के कनेक्शन कर देते, ये यहाँ से एक ग्राउंड होगा तो ये ग्राउंड यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसी ग्राउंड से ये वाले ग्राउंड से ही हम क्या करेंगे कैपेसिटर का ये वाला नीचे वाला, नहीं कि अभी हम ये वाले कैपेसिटर से इस वाले कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिए, क्योंकि ये वाला पहले से हमने शॉर्ट कर रखा हुआ है केबलिंग में एक हिसाब से, ठीक है। इसका इनपुट अब देखो आईसी का फर्स्ट वाला लेग, ये इसके कहाँ कनेक्ट होगा, इसके पॉजिटिव में कनेक्ट होगा, और ये इसके पॉजिटिव वाला जो यहाँ से यहाँ पे नहीं आया, तो ये देखो ये वाला ये यहाँ से और ये कहाँ पे कनेक्शन हो गया आपका, यहाँ पे हो गया, देखो पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो आगे चलेंगे तो क्या बच रहा है हमारा, यहाँ से ये कैपेसिटर एक यहाँ पे एक लेग से बच रहा है, और ये कहाँ पे कनेक्शन होगा इसका, यहाँ पे, ठीक है। एक और कनेक्शन बच रहा है हमारा ये वाला, यहाँ से कंप्लीट हो के आपका ये यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन होगा, ठीक, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो जैसे ऑन करेंगे तो एलईडी ऑन हो गई आपकी, अब कितना वोल्टेज आना चाहिए, पॉइंट हमने क्या कर रखा है यहाँ पे 5 वोल्ट, तो हमारा मल्टीमीटर देखो, अब मल्टीमीटर ऑन करते हैं, मल्टीमीटर ऑन किया हमने, मल्टीमीटर ऑन करने के बाद हमारा यहाँ डीसी, हमने इसको कहाँ पे कर दिया, डीसी पे कर रखा हुआ है, डीसी पे कनेक्शन कर रखा हुआ है, देखो ये यहाँ पे डीसी बताएगा आपका कनेक्शन, देखो ये डीसी में जैसे ही कनेक्शन बताएगा, देखो ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव हमने बोला ही था पहले यहाँ से, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, देखो कितना वोल्ट बता रहा, 5.4 अप्रोक्स, यानी कि ये आपका डीसी वोल्टेज हो गया है ना, ठीक। इसमें आपको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए आपको इस वाले इसको निकालना पड़ेगा। अब चेंज करने के लिए हमारा 9 वोल्ट, ये देखो हमारा 9 वोल्ट है, इसके बाद 7809, इसको हम यहाँ कनेक्शन करेंगे वापस से, तो वापस से हमको देखना होगा कि अब कितना वोल्टेज आ रहा है, देखो 9 के अप्रोक्स आ रहा होगा, 9.72 आ रहा है हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे 12 वोल्ट 7812 लगाएंगे, 7812 लगाया, देखो क्या होता है 7812 लगाने से, ये देखो 7812 लगाया, और वापस से हम वैसे ही चेक करेंगे तो देखो क्या हो रहा है 12.13.12 आ रहा है। देखो इस प्रकार हमारा सक्सेस हो गया प्रैक्टिकल। ये हमने क्या किया आज, पावर सप्लाई बनाना, क्या किया ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा थ्रू हमने क्या किया, एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया, उसके थ्रू हमने क्या किया, और वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के और कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर और एलईडी के सहायता से हमने एक पावर सप्लाई बनाई, ठीक है। इसको लाइक और शेयर करना ना भूले, धन्यवाद। इसमें कोई दिक्कत आती है तो एनी टाइम कॉल यू, थैंक यू, मैसेज कीजिएगा आप मुझे, धन्यवाद, शेयर और लाइक जरूर करिएगा, धन्यवाद।